बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्रीराज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रिय जी को पल पल शेष नमन। श्री राज श्यामा जी की मेहर से परम धाम के 25 पक्षों की नूरी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद को महसूस करते हैं, हम पहुंचाते हैं उस जगह, पहुंचकर उन शोभा को देखने की कोशिश करते हैं। धाम की सुंदर सीढ़ियां पार करके धाम दरवाजे के सन्मुख जो सुंदर चौक आया है, उन चौक में आकर धाम दरवाजे के सम्मुख नूरी चौक है, ठीक सामने धाम दरवाजा। धाम दरवाजे की सोनी शोभा, हीरा की एक बड़ी अच्छी मेहराब तले, दो मंदिर के चौक के पश्चिम तरफ भीतरी तरफ हीरा की बड़ी अच्छी मेहराब, जो हमने सीढ़ियों के ऊपर देखी थी खुली मेहराब, यहाँ पर अच्छी मेहराब है दीवार में चित्राना। उस अक्षी मेहराब तले हमें दो फूल की शोभा नजर आ रही, रंग महल की दो फूल की शोभा। उन बड़ी अक्षी मेहराब के तले प्रथम भूमिका में 88 हाथ के नूरमयी दर्पण के द्वार की शोभा देखी, और ऊपर हमने एक नजर अभी देखी कि एक जरोखा है, छह जाली द्वार है, दो दरवाजे हैं। दूसरी फूल की शोभा जब हम दूसरी फूल में पहुंचेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी हम देखिए कि हम दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। ये देखिए, हम इन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं। सामने हीरा की बड़ी अक्षी मेहराब तले तले से लेके ऊपर तक दो फूल की विशाल शोभा। एक बड़ी अक्षी मेहराब के तले तो अपने को धाम दरवाजा दो फूल का शोभायमान होता हुआ। अब धाम दरवाजे की शोभा को देखिए, एक एक शोभा को देखने का प्रयास करें कि कैसे लाल रंग की सुंदर चौखट, नूरी दर्पण के किवाड़, हरित रंग की बेनी और उन पल्लों में सुंदर चित्रामन, सुंदर नगों से झिलमिलाते चित्रामन, ऊपर सुंदर मेहराब और मेहराब की नोक के ऊपर झरोखा। उन विशालता को यहां महसूस करें कि ये अपने को दो फोम की पूरी शोभा नजर आ रही है। ये प्रथम भूमिका के धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा है, ये दूसरी भूमिका के धाम दरवाजे की शोभा है, लेकिन अपने को एक साथ पूरी शोभा यहाँ से नजर आ रही है। दाएं बाएं लाल मणियों से जड़ी दीवार, हीरा की बड़ी मेहराब पे लाल माणिक के फूल, फिर उनके तले दूसरी भूमि में जो नौ मेहराबे हैं उन पर लाल माणिक के फूल, फिर ये धाम दरवाजे की जो मेहराब आई है इनके नोक पर दाएं बाएं सुंदर फूलों की शोभा। तो एक एक शोभा से उठता नूर उनके आत्म स्वरूप, उनके नूरमयी चेतनता को दिल में बसा के अब हमने चलना है धाम दरवाजे के भीतर, धाम दरवाजे के मंदिर के भीतर। हम यहाँ पर है दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, सामने विशाल धाम दरवाजा स्वतः खुलता हुआ। वो धाम दरवाजे की खुलने की वो प्यारी शोभा, और जिस समय धाम दरवाजा खुल रहा है तो धाम की वो नूर, वो सुगंधी। धाम दरवाजा खुला, सामने एक सीढ़ी ऊंची चौखट है, उन चौखट को पार करके हम इन मंदिर के भीतर। अब ये देखो, घेर कर मंदिर आया, रंग महल को घेर कर बाहरी हार जो 6,000 मंदिर है, ये देखिए। इन्हीं मंदिरों में ठीक पूरब का जो मंदिर है वही हमारा धाम दरवाजे का मंदिर है, और ये मंदिर विशालता लिए है। बाकी मंदिर एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन ये मंदिर काफी विशालता लिए है। इसको हम इस नक्शे से देखते हैं।
ये जारदास मांझी का प्रदर्शन है, ये है तो आठवीं भूमिका का शायद, लेकिन मैंने धाम द्रविड़ की शोभा दिखाने के वास्ते इसको लिया है। तो ये देखिए, ये अपना हो गया दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और ये चार और दो के, दो मंदिर के चौड़े, चार मंदिर के लंबे, ये एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हो गए। ये हीरा की खुली मेहराब, इसके तले सीढ़ियां उतर रही हैं। ये हीरा की अक्षी मेहराब जिसमें धाम दरवाजा, दाएं बाएं चार चार मंदिर, ये अपने गुर्जों की शोभा। तो इस वक्त ये अपना प्रथम भूमिका का सुंदर नजारा। अब हम धाम दरवाजे को अलंकर इस मंदिर के भीतर आ गए। अब इस मंदिर के भीतर देखिए, इस मंदिर में खड़े हो जाते हैं। दाएं से बाएं हमारा मुख भीतर की तरफ है, दाएं से बाएं तो दो मंदिर की लंबाई, इस तरह से हम देखेंगे ये लंबाई है दो मंदिर की। और पूर्व से पश्चिम ये चौड़ाई है एक मंदिर की, जो घेर कर सभी मंदिरों की चौड़ाई आ रही है, सेम चौड़ाई इसकी भी है। तो अब हम इन मंदिर के भीतर हैं, दाएं बाएं हम देखते हैं पाखी की तरफ अपने को छोटे द्वार मिल रहे हैं, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं सुंदर चित्रामा, दरवाजे के ऊपर भी एक सुंदर मेहराब आएगी, उन दीवार के ऊपर भी सुंदर नूरी चित्रामन, उन दीवार में सुंदर अलमारी श्रृंगार की सामग्री, क्योंकि ये जो मंदिर है अपने श्रृंगार के मंदिर है, और प्लस ये अपना वेलकम मंदिर भी है, धाम दरवाजे के वास्ते आया मंदिर भी है। अब हमने इस मंदिर को पार करना है, तो यहाँ देखिए ये अपना 88 हाथ का गेट, इधर ये देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा गेट इधर भी, जैसा हमने धाम दरवाजा अभी यहाँ देखा ठीक वैसा धाम दरवाजा वहां भी। और अपने को एक मंदिर चलना है तब हम इस दरवाजे तक पहुंचेंगे, अपना धाम दरवाजे का मंदिर पार होगा। तो इन दोनों दरवाजों के बीच में एक सुंदर मार्ग बना हुआ है, पलक पावरे कहें, गिलम कहें, एक सुंदर रास्ता आपके वास्ते। हम इन रास्ते पे होके इस मंदिर को पार किया, दाएं बाएं 56 56 हाथ में सुंदर जोगबाई, सिंहासन, कुर्सियां, जवेरों की पुतलियां आपका वेलकम करती हुई, फूलों की बरखा, सुंदर संगीत का समय, हमने इस धाम दरवाजे को मंदिर को पार किया। जब इस दरवाजे को पार करेंगे तो हमारा धाम दरवाजा पार हो गया। अब हम हैं रंग महल के भीतर। वैसे तो हम जब धाम दरवाजे में एंटर किया हमने बाहर से धाम दरवाजे के मंदिर में, तो भी हम रंग महल के भीतर ही हैं। ये देखिए, इन धाम दरवाजे को हमने पार किया तो हम रंग महल के भीतर, ये कहें हम अब पहली गली में हैं, क्योंकि जैसे ही हमने धाम दरवाजे की इन मंदिर के भीतर प्रवेश किया, हम रंग महल के भीतर तो आ गए। अब इन धाम दरवाजे के मंदिर को पार किया तो हम इस गली में हैं। अब कुछ पल इस गली में खड़े होकर हम घेर कर शोभा देखें, मंदिरों की बाहरी हार, फिर दो थंबों की हार, तीन गली, थंबों की दो हारे, उनके मध्य सुंदर नूर से झिलमिलाती गली, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दो हार, तीन गली। अब ये मंदिरों की दूसरी हार तक ये जो शोभा आती है, ये शोभा है 201 पहल में, जो हमने घेर के रंग महल के बाहर देखा था कि घेर कर 201 पहल आए हैं। तो जब तक मंदिरों की दोनों हारें चल रही हैं, तब तक अपने पहल 201 ही रहते हैं, जब हवेलियों में जाएंगे तो पहल बढ़ जाएंगे, तब 236 पहल हो जाएंगे, अभी 201 पहल है। अब यहाँ पे हम रमन करते हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसी गली में रमन करते हैं, है ना। चित्रामन के दीवालों पे, थंबों में आए चित्रामन में, हाथी घोड़े सुंदर बगिया, जिस पे भी रमन करने का मन है वो हाजिर हो जाएंगी, और चित्रामन में वैसे की वैसे रहेंगी। तो सुंदर जिस भी सवारी में हम रमन करना चाहते हैं हम रमन करें। सबसे पहले 10 मंदिर के हंस की शोभा,
फिर 25 मंदिर का हास, उसके बाद सभी हास घेर कर 30-30 मंदिर के आए। और ये देखो हास किस तरह से हल्का सा कट आता हुआ भीतर की तरफ देखेंगे, थंबों में भी, इस दीवार में भी उसी तरह से फैलाते हुए। तो थोड़ा सा दिल में हम आठ सागर ही ले लेवे, उतनी शोभा हम कम से कम आठ पहलों की शोभा तो दिल में लेवे कि 10 मंदिर के पहल में है तो ये हम सर्र सागर के बिल्कुल सन्मुख। तो यहाँ पे सर्र सागर की उस संपूर्ण रंगों की धनी की संपूर्ण नियामतों की, क्योंकि जब हम यहाँ खड़े हैं और नजर भीतर करेंगे तो सभी हवेलियों के द्वार जो धाम दरवाजे की सम्मान, जो धाम दरवाजा है उसी के सम्मान सम्मान में, मतलब उसी के सन्मुख, उसी के समान, उसी की लंबाई चौड़ाई में बड़े दरवाजे हैं वो सब खुलते जाएंगे और पिया का दीदार यहीं से उनके चरणों में सेजदा करें। तो यहाँ पर सभी रंगों की नियामतें, सारी नियामतें महसूस करें। आगे आए तो इस हास को हम हीरा का, नूर का, सफेद रंग में देखें, फिर हम सफेद और लालिमा को देखें, फिर नील सागर की लालिमा को, एक-एक हास में खड़े होकर उन शोभा को दिल में बसाए आज दिन भर कि हम उन हासों में रमन कर रहे हैं। एक तरफ तो मंदिरों की दीवार, इधर थंबों की हार, दो गलियां, बीच की गली में से जा रहे हैं तो थंब की हार, इधर मंदिर, इधर से जा रहे हैं तो इधर मंदिरों की दीवार, तो इन सुंदर शोभा में रमन। थोड़ा सा यहाँ पे अपन पन्ना जी का देखते हैं जो हम सुबह रोज करते हैं परिक्रमा। ये देखिए इसमें आपको वो कट महसूस होएंगे, वो पहल महसूस होएंगे। देखिए पहल, ये गुंबज की दीवार में भी पहल देखो, हम गुंबद जी की जब निज परिक्रमा भीतर की परिक्रमा करते हैं, बाहर भी करते हैं तो अपने को वो पहल नजर आते हैं। तो इसी तरह से श्री रंग महल में हम परिक्रमा करें और उन पहलों को इन पिक्चर में भी देखें, अपने को ये पहल नजर आ रहे हैं। थोड़ी गुलाई चेंज हो रही है ना, यहाँ पे अपने को इन मंदिरों के दो कट नजर आएंगे, जैसे यहाँ पर। ये देखिए ये इधर एक मंदिर जुड़े, इधर ये दूसरा मंदिर, ये बीच में अपने को इस तरह से पहल हल्का सा मुड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से हमने घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारे, मोटे रूप में हम 6,000 कह रहे हैं क्योंकि स्थान 6,000 मंदिर का है। यहाँ पर तो दो मंदिर का एक मंदिर आ गया तो यहाँ पे मंदिर 6,000 से एक कम हो गए, यहाँ पे मंदिर और कम होंगे, लेकिन मोटे रूप से कहा जाता है 6,000 मंदिरों की दो हारे और उनके बीच में थंबों की दो हार और तीन गली। अब ये सब शोभा देख के हम ये इस विशाल गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक में खुद को देखते हैं। 28 स्तंभ का चौक, ये देखिए ये बाहरी हार मंदिर, एक गली, इन गली को पार करते ही 28 स्तंभ का चौक। जब हम सन्मुख से आ रहे हैं, हमने धाम दरवाजे का मंदिर पार किया, एक मंदिर की विशाल गली को पार किया, उसको जैसे ही पार करेंगे तो हम आ जाएंगे 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ का चौक उत्तर से दक्षिण तो 10 मंदिर का और पूर्व से पश्चिम, ये है 5 मंदिर की चौड़ाई दी। पूर्व से पश्चिम 5 मंदिर की चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण 10 मंदिर की।
ये देखिए अपना, इसको इस पिक्चर से देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो रहा है। ये अपना 10 मंदिर का हांस, 10 मंदिर के हांस के ठीक सन्मुख अपना 28 स्तंभ का चौक, ठीक सन्मुख। यहाँ हीरा की बड़ी मेहराब आ रही है, यहाँ पर भी 2 मंदिर की मेहराब है, क्योंकि ये मंदिर 2 मंदिर का है, तो पाखी की दीवार के सामने थंब आते हैं, तो ये मध्य की मेहराब भी 2 मंदिर की, ठीक सन्मुख ये मेहराब भी 2 मंदिर की। तो पूरा पश्चिम जब 28 स्तंभ के चौक की शोभा देखेंगे, तो ठीक मध्य की मेहराब तो 2 मंदिर की और दाएं बाएं की मेहराबी एक एक मंदिर की, जैसे हमने यहाँ देखा था 10 मंदिर के हाथ में, ठीक बड़े ही मध्य में हीरा की मेहराब 2 मंदिर की और दाएं बाएं एक एक मंदिर की। यहाँ पे हमने 2 मंदिर की ऊंची मेहराब देखी थी, ऊंचाई को नहीं ध्यान देखे, चौड़ाई में 2 मंदिर की मेहराब थी, तो यहाँ भी 2 मंदिर की मेहराब और दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। इसको हम राजकोट सुंदर सात के नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ठीक मध्य में ये 2 मंदिर की मेहराब और उसके सन्मुख ठीक यहाँ पर भी मध्य में 2 मंदिर की मेहराब। ये शोभा अपने को नक्शों में नहीं मिलती, क्योंकि शायद वो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ये 2 मंदिर की मेहराब है, ठीक ऐसे ये भी 2 मंदिर की मेहराब है, दाएं बाएं एक एक मंदिर की मेहराब। पूर्व दिशा में 10 स्तंभ, उनमें 9 मेहराबे। 10 मंदिर के हांस में भी हमने देखा था, वहां पर भी 9 मेहराबे, ठीक मध्य 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और दाएं बाएं 4 मंदिर, चार चार मंदिर। यहाँ पर भी ठीक मध्य 2 मंदिर की मेहराब और दाएं बाएं चार चार मेहराबे एक एक मंदिर की, यहाँ पर भी ऐसे। अब हम इधर देखेंगे, इधर चार चार थंब कहे जाते हैं, ये कोने का थंब हम पूर्व पश्चिम में गिन चुके हैं। तो कुल यहाँ पर थंब अगर एक शोभा के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अपने पास 6 थंब है, यहाँ पर 6 थंबों पर 5 मेहराबे। इधर देखिए, 6 थंबों पे 5 मेहराबे, इसको यहाँ से देखते हैं। इस नक्शे से हम देखते हैं शोभा को अच्छे से। ये देखिए, धाम दरवाजा पार किया एक गली, फिर हम 28 स्तंभ के चौक में हैं। पूर्व में 10 स्तंभ, पश्चिम में 10 स्तंभ, 4 थंभ उत्तर में, 4 थंभ दक्षिण में, तो टोटल 28 स्तंभ, 28 स्तंभ का चौक। और ये देखिए कितनी प्यारी युक्ति, यहाँ पर मेहराबे भी 28 पड़ती है। मैं एक बार लिख भी देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, पूर्व दिशा में यहाँ पर 9 मेहराब, पश्चिम में यहाँ पर भी 9 मेहराब, इधर अपनी आ रही है 5, उत्तर में भी 5, टोटल ये अपनी ये भी 28 मेहराबे हुई, 28 स्तंभ, 28 ही मेहराबे, ये 28 स्तंभ का सुंदर चौक। अब इन चौक में खड़े हैं तले सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की बड़ी प्यारी शोभा, अभी नक्शे भी दिखाती हूँ। घेर कर सुंदर थंब, उन थंबों की मेहराबे, एक एक थंब में सुंदर चित्रांबर, उन थंबों को भराई के सुंदर चंद्रों। तो इस तरह से पूर्व दिशा में 10 स्तंभ, पश्चिम में 10 स्तंभ, उत्तर दक्षिण चार चार थंभ गिनती में, लेकिन अगर आप देखते हो तो अपने को यहाँ 5 थंभ नजर आ रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं और अपना मुख है इधर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, तो अपने को 5 थंभ नजर आ रहे हैं ना। ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच नहीं सुंदर सात जी सॉरी 6 थंभ, 6 थंभ अपने को नजर आ रहे हैं, है ना। 6 थंभ, 6 थंभों के बीच में 5 मेहराबे, गिनती में 4 थंभ है लेकिन 6 नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 जो कोने के थंभ है वो भी अपने को नजर आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 थंभ नजर आ रहे हैं, 6 थंभों में 5 मेहराबे। पूर्व पश्चिम अपने को 10 स्तंभ, 10 स्तंभों में 9 मेहराबे। तो इस तरह से 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा। अब ये स्थान कहाँ पर है, उन शोभा को देखते हैं, तो उसके लिए हम इस बड़े नक्शे पे जाते हैं। अब इस नक्शे को देखते हैं, बारीहार मंदिर एक गली और अपना 28 स्तंभ का चौक,
तो ये देखिए, पहली थंबू की हार, ये वही हार है जो मंदिरों से एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों थंबू की घेर कर हार, ये जो बाहरी हर मंदिर है इनसे एक मंदिर की दूरी पर ये थंबू की जो हार घूमी है, 5,999 मंदिर है तो पाखी की दीवार के यानी इसके ठीक सम्मुख थंबाता है, पाखी की दीवार के ठीक सम्मुख। तो 5,999 मंदिर है तो 5,999 ही थंब है, घेर कर मंदिर 6,000 में से एक कम है, तो ये थंबू की पहली हार भी वही है। तो यही पहली हार के 10 मंदिर 28 स्तंभ के चौक में भी शुमार है। जो थंबू की पहली हार आई है, हाँ मीनू जी, पूरा में 10 स्तंभ है ना, ये देखो पहला, एक में मैं नक्शा दूसरा निकालती हूँ, 9 मेहराबे हैं। हाँ जी दीदी, वो आपने इधर पांच पांच वो करे ना, हाँ छेद इधर कम, ये एक बार गलती से ना पांच पांच बोलने में आया, 6 है इधर। छह इधर हो गए और इधर। हाँ ये इधर देखिए, अपन इससे क्लियर हो जाएगा, इसमें खुले हैं, 10 इधर 10 इधर और इधर 6 6, दिखने में वैसे हाँ गिनती में दिखने तो में, अट्ठाईस हाँ जी हाँ जी पे दीदी, तो वो अट्ठाईस मेहराबे हो जाएंगे नौ। हाँ 9 मेहराबे है ना। तो अभी अपन जगह देख रहे हैं इसकी, तो ये जो पहली हार थंबू की है यही इसकी पूरब दिशा की थंबू है, मतलब जो पहली हार घेर के थंब आ रहे हैं उसी के 10 स्तंभ 28 स्तंभ के चौक में भी शुमार हुए। अब थंबू की चौथी हार, ये देखिए पहली हार, दूसरी हार, फिर मंदिर, फिर तीसरी हार, फिर ये चौथी हार। अब ये चौथी हार देखो 28 स्तंभ के चौक के भीतर की तरफ की यानी पश्चिम तरफ की जो थंब है वो थंब ये हुए। अब यहाँ पर कुछ मंदिर कट जाते हैं, अगर हम 10 मंदिर मान रहे हैं पूरे इसको, 2 मंदिर ना लेके मान रहे हैं 10 मंदिर, तो इसको जैसे यहाँ पर 9 मंदिर हैं तो यहाँ पर ये 9 मंदिर तो ये कट गए, बीच का मंदिर हम बड़ा मान रहे हैं तो 9 मंदिर तो यहाँ कट गए, और एक मंदिर ये देखो इसको घेर के पूरी परिक्रमा आई है, 28 स्तंभ के चौक को घेर के एक मंदिर की परिक्रमा आती है, तो एक एक मंदिर यहाँ नहीं आता, तो यहाँ पर 9 और 2 11 मंदिर कम हो जाते हैं और एक मंदिर यहाँ कम हो जाता है, तो टोटल अगर हिसाब में देखें ना तो 13 मंदिर कम होते हैं। एक मंदिर हमने यहाँ कम किया है ना, ये बाहरी हार में, मैं एक बार लिखते हुए जाती हूँ सुंदर सा जी, ताकि थोड़ा सा अच्छे से दृढ़ होएगा, एक मंदिर अपना हुआ बाहरी हार में कम, वो यहाँ लिख रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको, एक मंदिर अपना बाहरी हार में कम हुआ क्योंकि हम अब इस 6,000 मंदिर पूरा लेना चाहते हैं, तो एक मंदिर कम यहाँ हुआ, 10 मंदिर अपने कम हुए 28 स्तंभ के चौक में, एक मंदिर इस जगह कम हुआ, एक मंदिर अपना इस जगह कम हुआ, यहाँ नहीं है ना, तो ये टोटल अपने 13 मंदिर कम हो जाते हैं। 6,000 मंदिरों की दो हारे हैं और ये मंदिर हैं हम सखियों के श्रृंगार के मंदिर, 12,000 सखियां गई, 12,000 उनके श्रृंगार के मंदिर, लेकिन यहाँ अपने पास 13 मंदिर कम हो रहे हैं। तो वाणी में चपई, वो मैं कल निकालूंगी, आज निकाली नहीं मैंने, भूल गई, तो वाणी में चपई भी आती है कि उन मंदिरों, मतलब वाणी में ये वर्णन आता है कि भोम दर भोम ये श्रृंगार के मंदिर हैं, और जोहरदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि अब ये संशय होता है कि 6,000 मंदिर यानी 12,000 मंदिर श्रृंगार के हैं, अब 13 मंदिर तो कम हो गए तो कैसे होगा, तो उन समय उसका ये बताते हैं हल, ये जो थंबों की हारें आई हैं वो थंब की हार 28 स्तंभ के चौक की भी हो सकती है, ये मंदिरों की दो दो थंबों की हार, 3 गली, कहीं से भी हम वो 13 थंब, क्योंकि इन थंबों का विस्तार भी एक मंदिर के लंबाई चौड़ाई में सुंदर विस्तारित थंब है, तो उन थंबों में उस वक्त वो श्रृंगार के मंदिर बनते हुए उन 13 सखियों के लिए, तो वो श्रृंगार के मंदिर इन थंबों में प्रस्तुत होते हुए, तो जो 13 मंदिर कम होते हैं तो उस वक्त 13 थंब प्रस्तुत होते हैं उन मंदिरों के वास्ते। इसी तरह से यहाँ पर कुछ थंब भी कम हो जाते हैं, 28 स्तंभ की चौक की वजह से कुछ थंब भी कम हो जाते हैं, बस अपने को शोभा दिल में बसानी है कि 28 स्तंभ का चौक किस स्थान पर आया है। तो ये देखिए, पूरब दिशा में पहली हार, पश्चिम दिशा में चौथी हार के थंब ही 28 स्तंभ के चौक के थंब हुए।
अब हम यहाँ खड़े हैं, उत्तर देखें और दक्षिण देखें, तो यहाँ पर अपने को दूसरी हार के मंदिर भी नजर आ रहे हैं। ये शोभा तीजी भूमि में बहुत ज्यादा मतलब शोभा में आती है, क्योंकि ये मंदिर आसमानी रंग का मंदिर, श्यामा जी का मंदिर है। तो प्रथम भूमिका में भी ये श्यामा जी का मंदिर है आसमानी रंग का। यहाँ पर भी हम शोभा देखें आसमानी रंग मंदिर की, क्योंकि भूम दर भूम वो शोभा आ रही है ना, 6-6 हजार मंदिरों की दुहारे भूम दर भूम आ रही है। तो ये आसमानी रंग मंदिर श्यामा जी का, अपने को मंदिर नजर आ रहे हैं, मंदिरों की पूरी दीवार नजर आ रही है, कैसे एक बड़ी मेहराब, सुंदर अक्षी मेहराब, उनमें 3 मेहराबे, मध्य दरवाजा और 2 थंबों की हार, 3 गली, वो घेर के सुंदर पहल, तो 28 स्तंभ के चौक से अपने को संपूर्णतः नजर आ रहे हैं। अब एक एक पिक्चर हम देखते हैं। राजकोट सुंदर साथ की भी बहुत सुंदर है। बारह मंदिर प्लस एक मंदिर, ये बाहर का भी कम करेंगे ना, यहाँ पर भी 6 हजार मंदिर होने चाहिए, है ना, यहाँ पर भी 6 हजार मंदिर होने चाहिए, लेकिन धाम दरवाजे का मंदिर ने 2 मंदिर की जगह ले ली, तो एक मंदिर बाहरी हार में भी कम हो गया ना, तो टोटल अपने 13 मंदिर कम होते हैं। अब हम थोड़ी सी पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए जो अपने पास अलग अलग प्रदर्शन है, ये देखिए सुंदर प्रदर्शन, खड़ा दृश्य, घेर कर थम, सुंदर बैठ के, ये देखो मंदिर की दीवार लगती हुई, 2 थंबों की हर 3 गली अपने को अच्छे से नजर आ रही है। और इधर देखते हैं तो अपनी पहली रसोई की हवेली के दर्शन। ये देखिए घेर कर सुंदर परिक्रमा, तो 28 स्तंभ के चौक में एक जैसे हम सेंधे रंग की सुंदर गिलम ले रहे हैं, 28 स्तंभ के चौक में हम सेंधे रंग की सुंदर पश्चिमी गिलम, उनपे फूलों की सुंदर पत्तियों की नक्काशी, और घेर कर ये रोस हम ले लें जैसे व्हाइट रंग की या गुलाबी रंग की, जो भी दिल में बैठती है, इस रोस का रंग अलग होगा, 28 स्तंभ की चौक पे जो गिलम होगी उसका रंग अलग होगा, और 2 थंबों की हार, 3 गलियां, उनकी शोभा, इन मंदिरों की शोभा, तो इस तरह से। अब हम देखिए एक एक पिक्चर। ये देखिए राजकोट सुंदर साथ ने कितना प्यारा नक्शा, पूर्व दिशा में 10, पश्चिम में 10, ये देखो बड़ी मेहराब आमने सामने, और दोनों मेहराबों के बीच में एक नूरमयी रास्ता बनता हुआ जिससे बढ़ के हमें आगे जाना है, सुंदर बैठ के, ये देखिए कितनी प्यारी बैठ के, एक एक थम थम्बों के पहल, उनकी सुंदर मेहराबे, ये 28 स्तंभ के चौक का संपूर्ण दृश्य, ऊपर चंद्रमा भी। हीरा की बड़ी में हीरा बोलने में आ रहा है, मध्य 2 मंदिर की बड़ी मेहराब। अब जो भी चितवन दिल में बैठती है उस रंग की इस मेहराब को ले में, क्योंकि वर्णन नहीं है किस रंग की है, आमने सामने 2 मंदिर की जो बड़ी मेहराब पड़ती है, तो वो दृश्य सुंदर बैठ के, सिंहासन कुर्सियां, कितनी सुंदरता, तली गिलम जुड़नी, हम इसी को चितवन में एक नक्शी है कि इतनी प्यार की बैठ, इतनी प्यारी बैठ के हैं, तो हम अपने दिल में ले में उस सुंदरता को, उन नूर को, क्योंकि ये बैठ के भी जड़ तो है नहीं, ये भी आत्म स्वरूप है, चेतन है, पल पल ये सुंदर सिंहासन कुर्सियां भी श्रृंगारित होती होंगी, जैसा आप चाहते हैं वैसे रंग में, वैसी सुंदर शोभा में, एक एक थम की सुंदर शोभा, फूलों की सी सुंदर बैठ के, जवेरतों से सजी बैठ के, विध विध की बैठ के, यहाँ पर दो दो रंगों की सुंदर मेहराबे यहाँ पर भी हो सकती हैं। अपने को मूल मिलावा में थंबों का, रंगों का पूरा वर्णन दे दिया, तो ऐसी सुंदर रंगीनियां लिए शोभा हर जगह होगी, तो सुंदर मेहराबे यहाँ भी, उन मेहराबों पे नक्काशी, और महसूस करें वनों से आते जाते
जब हम 28 स्तंभ के चौक में रुकते हैं, श्री राज श्यामा जी संग, वनों से आते जाते इन 28 स्तंभ के चौक में कुछ पल बैठना और उन पलों को याद करना कि आज हम फूल बाग में रवन करके आए हैं, और उन फूल बाग की वो मीठी मीठी बत्तियां पूरे 28 स्तंभ के चौक के समा को भी उन फूल बाग की रंगीनियों से जैसे ढांपती हुई, वो फूल बाग की रंगीनियां उस 28 स्तंभ के चौक में भी प्रस्तुत होती हुई, एक एक नजारे उन फूलों में, उन छह बच्चों के सुख, वो सुगंधी, वो नरमाई, और इन थंबों में जवेरों की पुतलियां, नगों की, वो भी आत्म स्वरूप, वो भी इन लीला में शामिल होते हुए, तो इन शोभा में रुक कर उन एक एक शोभा को महसूस करें कि आज प्रिया संग हम यहाँ ये लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से सुंदर शोभा हमने देखी आज, धाम दरवाजे को पार किया, एक गली 28 स्तंभ के चौक में आए, तो सुंदर नूरी शोभा धाम की। एक बार यहाँ से वापस देखते हैं, 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं घेर कर एक मंदिर की सुंदर परिक्रमा, 28 स्तंभ के चौक को घेर कर सुंदर थम, सुंदर मेहराबे, थंबों को बनाई के सुंदर नूरी चंद्रमा, तले केला, सिंहासन, कुर्सियां। बाहर की तरफ देखते हैं को धाम दरवाजा दाएं बाएं की चार चार मंदिर झिलमिलाते हुए, दाएं बाएं एक मंदिर की दूरी पर, यहाँ पर भी एक मंदिर की दूरी पर है, इधर भी एक मंदिर की दूरी पर मंदिर, दो थंबों की हर तीन गली, और भीतर की तरफ रसोई की हवेली की वो दहलान झिलमिलाती हुई चबूतरा, और अंदर नजर करें तो इन सभी हवेलियों को पार करते हमारी नजर पहुंचे हमारे मूल मिलावा में, धनी के चरणों में, उनके चरणों में पल पल सींचता, नाम जी सुंदर साजी।